हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल शब्दंग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से आप एनर्जी सर्कल को बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। एनर्जी सर्कल्स क्या होते हैं? एनर्जी सर्कल्स पावरफुल और इफ़ेक्टिव सर्कल्स होते हैं, जिसमें आप स्विच वर्ड्स, सैक्रेट कोड्स, स्विच फ्रेजेस, सिंबल्स, मंत्रास, बैच फ्लावर रेमेडीज, एंजल नंबर्स को लिखकर अपने किसी भी पर्टिकुलर गोल या विश को अचीव कर सकते हैं। अब ईसी यानी एनर्जी सर्कल को बनाना कैसे है, आइए ये जानते हैं। आपको एक प्लेन वाइट पेपर लेना है। अब इसमें आपको कोई भी एक गोल के लिए रिलेटेड स्विच वर्ड्स या स्विच फ्रेजेस या एंजल नंबर लिखना है ब्लू कलर के इंक पेन या स्केच पेन से, और उसे लिखने के बाद चारों ओर से सर्कल बना दें। आपका ईसी बनके रेडी हो गया यूज़ करने के लिए। अगर आप मनी से रिलेटेड ईसी बना रहे हैं तो यू कैन यूज़ ग्रीन इंक पेन। लव से रिलेटेड ईसी बनाना है तो रेड कलर या पिंक कलर इंक पेन को यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। पहला तरीका है, इसे आप बनाने के बाद किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट में रखें या पॉसिबल हो तो लैमिनेट करवा लें। उसके बाद इस ईसी के ऊपर डेली अपने वाटर बोतल या ग्लास को रखिए एटलीस्ट 30 सेकंड्स के लिए या उससे ज़्यादा, और फिर वही चार्ज्ड पानी पीजिए दिन भर। दूसरा तरीका है, अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर्स, जो कि इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर हैं, उसको ईसी पर 15 सेकंड्स के लिए रखें। आपको उसकी एनर्जी मिल जाएगी। आप चाहें तो ईसी को अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं या अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं। एनर्जी सर्कल्स को आप अपने घर के वॉल पे भी स्टिक कर सकते हैं, बट उस एनर्जी सर्कल में किसी का नाम नहीं होना चाहिए। और एक तरीका है, अगर आप किसी और को इसका बेनिफिट देना चाहते हैं जो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, एग्जाम्पल कोई मदर अगर अपने सन या डॉटर को ईसी की एनर्जी एंड वाइब्रेशन देना चाहती हो, तो वो सिंपली उनके एक फ़ोटो को लेंगी और ईसी के ऊपर रख देंगी। अगर आप खुद के लिए करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ईसी को लेकर डूज एंड डोंट्स जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज़, आप एक एनर्जी सर्कल में तीन स्विच वर्ड्स या तीन स्विच फ्रेजेज ही लिख सकते हैं। एंजल नंबर्स आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज़, जब आप ईसी बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि सर्कल कहीं से ब्रेक ना हो। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया आपने उसी पॉइंट पे लाकर आपको मिलाना है। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज सिंपली आप एक बोल या प्लेट को रख के ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको पेंसिल कंपास का यूज़ नहीं करना है। थर्ड वन इज़, अगर आप पर्सनलाइज्ड ईसी बना रहे हैं तो मैक्सिमम तीन ईसीज ही बना सकते हैं, जिसमें आप अपना या किसी अदर पर्सन का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़, ईसी के अंदर स्विच वर्ड्स या एंजल नंबर्स लिखते वक्त उसे कट मत कीजिए या ओवरराइट मत कीजिए। अगर आपने लिखते वक्त कोई गलती कर दी हो तो एक फ्रेश पेपर लेकर दोबारा बनाएं। फिफ्थ वन इज़, एनर्जी सर्कल्स को किसी भी बंद जगह पर नहीं रखिएगा, क्योंकि वहाँ उसकी एनर्जी फ्लो नहीं कर पाएगी। जैसे किसी बुक में या बॉक्स में या ड्रॉअर में नहीं रख सकते। सिक्स्थ वन इज़, स्विच वर्ड्स, मंत्रास या एंजल नंबर्स सर्कल की एज से टच नहीं होने चाहिए या क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो भी लिखना है सर्कल के अंदर ही लिखना है। सेवेंथ वन इज़, ईसी को अगर आप अपने वॉल पे स्टिक कर रहे हैं या वॉलेट में रख रहे हैं या पिलो के नीचे रख रहे हैं या फिर वाटर थेरेपी के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर आपका ईसी फ्रंट फेसिंग और अपवर्ड फेसिंग ही होना चाहिए। एट्थ वन इज़, ईसी को आप फोल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, सभी स्विच फ्रेजेस या स्विच वर्ड्स या मंत्रास को कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, एक्सेप्ट डिफ्यूजिंग वर्ड्स। जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आप उस ईसी को फाड़ सकते हैं। और आखिरी बात, जब आपका मूड अच्छा हो, हाई वाइब्रेशन पे हो, तभी आप अपने ईसी को बनाएं विथ इंटेंशन। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। Don't forget to like, share and subscribe. Take care and tata.